प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कापी कैसे लिखें। बच्चों, ये जो कापी आप पीछे देख पा रहे हो, ये बोर्ड टॉपर के द्वारा कापी लिखी गई है। अगर आप भी ऐसा कापी रिप्रेजेंट करते हैं पेपर के में, तो आप भी बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं कि बोर्ड टॉपर ने इस कापी में कौन कौन सी चीज को नोटिस करके लिखा हुआ है, ताकि उसका एक भी नंबर ना कटकर पूरा नंबर मिला हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कापी है, कापी अ है, ठीक है। दो प्रकार के कापी मिलते हैं, एक तो अ कापी मिलेगा, एक ब कापी मिलने वाला है, ठीक ना। अब बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो कापी आपका जो फिल करने का जो प्रोसेस होता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको फिल करना है। सबसे पहले क्या करना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना यहाँ पे रोल नंबर फिल करना। उसके बाद अंकों में, फिर शब्दों में, ठीक ना, जिस प्रकार से 3 3 1 0 5 2 7 इस प्रकार से लिखा गया है, इसी प्रकार से अपना रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से मैच करा कर यहाँ पे भर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, विषय का नाम जो पहला पेपर आने वाला आपका हिंदी रहने वाला है, हिंदी यहाँ पे भरेंगे, और प्रश्न पत्र में केवल भर देना है। फिर यहाँ पे पेपर है, कुछ कोड करके आएगा, कोड यहाँ पे भर देना। पेपर किस दिन को है, यहाँ पर दिन लिखना, फिर यहाँ पे तिथि और पाली लिख देना। उसके बाद से एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपने यहाँ पे सेंटर का नाम वगैरह यहाँ पे लिख देना। इतना करने के बाद बच्चों, आप सभी को पता होगा, आप सभी को ये पता होगा दोस्तों, कि आपका जो पेपर रहने वाला है, ठीक ना, आपका जो पेपर रहने वाला है, वो सबसे पहले तो दो सेक्शन में आएगा, सबसे पहले तो दो सेक्शन में आएगा, ठीक ना, सबसे पहले दो सेक्शन में आएगा। एक तो आएगा भैया सेक्शन अ और सेक्शन ब, ठीक ना। अब देखो, सेक्शन ए यानी कि खंड, खंड जो आपका अ आएगा, ठीक ना, खंड जो आपका अ आएगा, इस खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, 20 एमसीक्यू रहने वाला है, जिनको हल करना भैया ओएमआर आंसर शीट पे। ये तो आप आसानी से हल कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन बच्चों, बात यहाँ पर ये आती है कि 2025 बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलता है, उस कॉपी में कैसे क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट करना है, उस बात को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक ना, उस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। चलिएगा, तो देख सकते हैं टॉपर ने किस प्रकार से कॉपी को रिप्रेजेंट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को अपनी भी कॉपी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे खंड ब, ठीक है, खंड ब के बाद लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21। मैंने बताया आपको कि 20 तक तो बहुविकल्पी प्रश्न ही रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लिखेंगे, देखो जो हमारा इसमें दो सवाल होता है, तो दो गद्यांश होते हैं, दो गद्यांश में से गद्यांश को हल करना होता है। तो जो सबसे पहला नंबर हम गद्यांश करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि दो तीन लाइन शुरू का लिख देंगे, दो तीन शब्द शुरू का और अंत का दो तीन शब्द लिख देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया, मित्रता के लिए डॉट 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 खूब निधि, ठीक ना। अब इसको देख करके जो आपका एग्जामिनर होगा, वो समझ जाएगा कि आप इस वाले पैसेज का सलूशन किए हुए हैं। अब इसमें तीन प्रश्नों का हल करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले तो बच्चों, आपको क्या करना होगा, इस गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। अच्छा, संदर्भ हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पाठ का नाम और दूसरा लेखक या कवि का नाम, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आप नोटिस कर सकते हैं। एक बात और नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चा है, देखो यहाँ पे जो पाठ का नाम है मित्रता, इसको डार्क कर दिया है। फिर यहाँ पे जो लेखक का नाम है, इसको भी डार्क कर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो जो भी चीजें नोटिस करने वाली है, नोट करने वाली है, उसको आप हेडलाइन के तौर पर भी लिख सकते हैं।
उसके बाद अब देखो इस पूरे पैसेज का, इस पूरे जो आपका गद्यांश है इसका व्याख्या भी कर सकते हैं, इस पैसेज में कवि ने, लेखक ने क्या किस चीज के बारे में वर्णन किया है उसके बारे में अपने शब्दों में यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आप आसानी से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कि राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक ना, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब जो अगला नंबर क्वेश्चन आएगा 22 नंबर क्वेश्चन, वो आपका आएगा पद्यांश से संबंधित। ठीक ना, गद्यांश आपका आ गया, फिर यहाँ पे आएगा पद्यांश से संबंधित। तो बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। करना क्या है, पद्यांश दिया रहेगा, पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। तो जैसे ही पद्यांश आएगा उसका भी वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम करेंगे उसके संदर्भ का सलूशन। मैंने आपको बताया संदर्भ में दो बातें लिखनी है, एक तो पाठ का नाम और एक कवि का नाम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद इसका व्याख्या कर देंगे और व्याख्या करने के बाद एक क्वेश्चन रहेगा इस पैसे से संबंधित, उसका आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक ना, इतना करने के बाद अब जो बच्चों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक ना, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन, तो जो 23 नंबर क्वेश्चन आता है बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया गद्यांश आता है हिंदी में, फिर हिंदी का ही पद्यांश आता है, उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन आता है अब संस्कृत में आएगा गद्यांश। ठीक ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यम नगरी वाला, ठीक ना, यानी कि वाराणसी वाले चैप्टर से यहाँ पे एक संस्कृत में गद्यांश दे दिया गया है। अब इस गद्यांश को क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है फिर इसका अनुवाद कर देना है। ठीक ना, तो करेंगे कैसे, संदर्भ में क्या बातें लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब यहाँ पे देखो हिंदी को डायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी वाले पाठ से लिया गया है, तो वाराणसी को ही मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। ठीक ना, उसके बाद से अब इस वाले गद्यांश का क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। ठीक ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इतना करने के बाद बच्चों, इतना करने के बाद अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा 24 नंबर, बिल्कुल संस्कृत खंड से ही आएगा, लेकिन वो आएगा सुक्ति से। कैसे आएगा, सुक्ति से आएगा, और अब इसमें एक सुक्ति दी गई होगी, अब उस सुक्ति का क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है फिर उसका भी हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी ढंग से, इसी आइडिया के साथ आप सभी को कॉपी बोर्ड पेपर में रिप्रेजेंट करनी है। ठीक ना, और एक भी चीज का मतलब गलती नहीं करना है, सारी बातों को ध्यान में रख करके पेपर देने जाना है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि पेपर में हर साल पूछा जाता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो कवि का आता है एक तो लेखक आता है, और दोनों बराबर नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करना क्या होता है, कवि का लेखक का जीवन पर से लिखने के साथ साथ उनकी एक दो कृतियां रचनाकार का नाम लिखना होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे जीवन पर से, भाई जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 और इसका हम कर रहे हैं क नंबर, यानी कि क नंबर में आता है लेखक का जीवन परिचय और ख नंबर में आएगा कवि का जीवन परिचय। इसमें देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय के बारे में बात किया गया है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो जीवन पर से हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे और सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, माता पिता का नाम लिख देंगे, शिक्षा लिख देंगे और अंत में इनकी मृत्यु का कुछ यहाँ पे गुणगान कर देंगे। देखो अब की बार होता क्या है कि अब की बार आप सभी को एक 60 मिनट आपको जीवनी यहाँ पे तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एग्जामिनर इस पे ज्यादा फोकस करेगा और काफी चांसेस है इसका जो टाइम होगा कम टाइम खर्च होगा और इसी को देकर के नंबर आपका पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, 5 में 5 नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाएगा। तो आप ये आइडिया भी अपना सकते हैं और ये वाला आइडिया भी आप अपना सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला अपनाने के बाद अंत में ये छोटा सा जरूर लिख देना। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद बच्चों इसी प्रकार से तो मैंने बता दिया आप सभी का लेखक का जीवन परिचय, फिर यहाँ पे देखो कवि का जीवन परिचय। तो देखो यहाँ पे जैसे सुमित्रानंदन पंत का यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है बिल्कुल उसी अंदाज में। ठीक ना, देखो इसी प्रकार से लिखा गया सुमित्रानंद पंत जीवन परिचय, फिर इनका व्याख्या पूरा यहाँ से लिखा किया गया है और अंत में इनका 60 में जीवन परिचय यहाँ पर लिखा जा चुका है। ठीक है, तो इसी आइडिया के साथ आप सभी को भी लिखना है। ठीक ना भाई, अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर आता है, 27 नंबर क्वेश्चन देखो
27 नंबर क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जाएगा कविता लिखने के लिए, कविता पोयम जो इस पूरे प्रश्न पत्र में जिसका जिक्र ना किया गया हो उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे चर्चा करना होगा। दो लाइन में लिख सकते हैं, चार लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो दो ही लाइन पूछा जाता है, 5 नंबर का आता है, आसानी से स्कोर कर जाओगे। और जो 28 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आपका संस्कृत बेस्ड क्वेश्चन आता है, संस्कृत पे आधारित है, यानी कि संस्कृत में प्रश्न पूछा जाएगा और उसका आंसर भी संस्कृत में ही देना होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। ये तो कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए, जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये जो आप सभी का यहाँ पे देख रहे हैं निबंध, निबंध हर साल पेपर में 9 नंबर का पूछा जाता है, इस बार लगभग 7 नंबर का पूछा जाएगा। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करके जाना। भारत में आतंकवाद की समस्या समाधान कारण निवारण जो भी इसका है, रूपरेखा तैयार कर लेना भाई। रूपरेखा में हम वही हेडिंग लिखते हैं जिस हेडिंग के बारे में हमें लिखना होगा विस्तार से। देखो, रूपरेखा सबसे पहले तैयार करो, प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, फिर भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान कैसे करेंगे, और इसका अंत में उपसंहारक टॉपिक को जरूर इंक्लूड करना ही करना है। इस प्रकार से आप सभी को भी क्या करना है, निबंध को तैयार करके जाना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। चलिए, और अंत में यहाँ पे देखेंगे, अंत में जो आपका 10वां नंबर टॉपिक आता है बच्चों, 10वां नंबर टॉपिक बिल्कुल टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पत्र लेखन का, ठीक ना, लेटर राइटिंग का आता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। लेटर राइटिंग आपसे पूछेगा तो भाई आपको तैयार कर लेना है, ठीक ना। पत्र लेखन, इस वाले टॉपिक को तैयार करके जाना, ठीक ना। हमारे गांव में समस्या आ रही है नाली के लिए, पानी के लिए, प्रदूषण के लिए, सफाई के लिए, बिजली के लिए, उस पर आपको तैयार करके जाना है। ये आपका 5 नंबर का इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अगर 2025 बोर्ड परीक्षा में, 2025 बोर्ड परीक्षा में अगर आप इस तरीके से कॉपी लेकर के आते हैं, आप भी ऑब्वियसली बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे, त्रुटियों को सुधारेंगे और बिल्कुल ऐसे ही कॉपी लेकर के आएंगे ताकि आप भी 99% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।